हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे गुरु पुत्र अश्वत्थामा और महारथी कर्ण में कौन अधिक शक्तिशाली योद्धा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो पहले हम बात करेंगे गुरु पुत्र अश्वत्थामा के विषय में। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य जी से प्राप्त की थी। अश्वत्थामा के जन्म के समय अश्वत्थामा के माथे पर एक बहुत चमत्कारी मणि थी। इस चमत्कारी मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को भूख, प्यास और थकान नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त अश्वत्थामा को किसी भी योद्धा के साथ युद्ध करने में भय नहीं लगता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ ही अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। तो अब हम बात करते हैं अश्वत्थामा के महाभारत युद्ध के विषय में। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के समय घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वत से एक बहुत ही भीषण युद्ध किया था। हालांकि इस युद्ध में अश्वत्थामा अंजन पर्वत का आसानी से वध कर देते हैं। जब गुरु द्रोण की मृत्यु की खबर महावीर अश्वत्थामा को मिलती है तो अश्वत्थामा बहुत क्रोध में आ जाते हैं और नारायणास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। नारायणास्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र था कि पांडव सेना के किसी भी योद्धा का कोई भी अस्त्र नारायणास्त्र का मुकाबला नहीं कर पाया था। पांडव सेना जितना इस अस्त्र का विरोध करती थी उतना ही ये अस्त्र पांडव सेना का विध्वंस करता था। अगर भगवान श्री कृष्ण इस अस्त्र को रोकने का उपाय न बताते तो ये अस्त्र पूरी पांडव सेना का विध्वंस कर देता और युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। तो अब हम बात करते हैं अश्वत्थामा अपने जीवन काल के समय कितनी बार युद्ध में पराजित हुए। अश्वत्थामा अपने जीवन काल के समय पहली बार विराट युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे और दूसरी बार महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध के 14वें दिन अर्जुन के हाथों परास्त हुए थे। इसके अलावा अश्वत्थामा अपने पूरे जीवन काल के समय एक बार भी परास्त नहीं हुए थे। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के समय लगभग 3 अक्षौणी सेनाओं का संहार किया था। तो अब हम बात करते हैं अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों के विषय में। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, नागास्त्र, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, नागपाशस्त्र, वाव्यास्त्र और सर्वशक्तिमान नारायणास्त्र भी था। तो अब हम बात करते हैं महाबली कर्ण के विषय में। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। महारथी कर्ण ने अपने जीवन काल के समय तिक विजय यात्रा की थी। इस यात्रा में महारथी कर्ण ने भारतवर्ष के लगभग हरेक राजा को परास्त कर दिया था। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के समय नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और घटोत्कच को परास्त किया था। इसके अलावा महाबली कर्ण ने एक बार महाशक्तिशाली जरासंध को भी युद्ध में परास्त किया था। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के समय महाबली घटोत्कच का भी वध किया था। तो अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण के पराजय के विषय में। महारथी कर्ण 2 बार अर्जुन से परास्त हुए थे। इसके अतिरिक्त कर्ण अभिमन्यु, भीम और सात्यकी से भी पराजित हुए थे। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान भार्गव अस्त्र चलाकर पांडव सेना का भारी मात्रा में विध्वंस किया था। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडव सेना की 2 अक्षौणी सेनाओं का वध किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं महारथी कर्ण के दिव्यास्त्रों के विषय में। महारथी कर्ण के पास अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वाशवी शक्ति, भार्गवस्त्र, नागस्त्र और नागपाशस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। वीडियो के अंत में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि महारथी कर्ण ने अश्वत्थामा के मुकाबले ज़्यादा युद्ध लड़े थे और उन युद्धों में कर्ण की विजय भी रही थी। हालांकि अश्वत्थामा अपने जीवन काल के समय मात्र 2 बार पराजित रहे थे और महारथी कर्ण 4 से 5 बार पराजित रहे थे, लेकिन महारथी कर्ण ने अपने जीवन काल के समय भीम और जरासंध जैसे योद्धाओं को भी परास्त किया था। इसीलिए हम कर्ण को अश्वत्थामा से अधिक श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। अगर हम दिव्यास्त्रों की चर्चा करें तो अश्वत्थामा के पास कर्ण के मुकाबले अधिक और कई गुना विध्वंसकारी दिव्यास्त्र थे।
लेकिन महारथी कर्ण के पास भी कवच कुंडल थे जो उन्हें भगवान सूर्य से प्राप्त हुए थे। अगर महारथी कर्ण अपना कवच कुंडल दान में ना देते तो महारथी कर्ण भी एक अजय योद्धा रहते। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें कि कर्ण और अश्वत्थामा में से किस योद्धा ने महाभारत युद्ध के दौरान अधिक विध्वंस किया था तो इस मामले में अश्वत्थामा कर्ण से आगे है। अश्वत्थामा ने 3 अक्षौणी सेनाओं का वध किया था और महारथी कर्ण ने मात्र 2 अक्षौणी सेनाओं का वध किया था। लेकिन महारथी कर्ण अश्वत्थामा से अधिक विध्वंस नहीं कर पाए, इसका एक कारण है। महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसी के कारण अश्वत्थामा कर्ण से विध्वंस करने की सूची में आगे हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे।